इवनिंग माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? ठीक। लेट्स टॉक अबाउट योर क्वेश्चंस। सिस्टर, आप मुझे बता सकती है कि के पॉप ग्रुप में लीड वोकल, मेन वोकल और ओनली वोकल, वैसे ही मेन रैपर, लीड रैपर और रैपर, ओनली रैपर, इसमें क्या डिफरेंस है? प्लीज़ सिस्टर, ये सवाल बहुत दिनों से पूछना चाहती थी। ऐसा ही सवाल किसी और ने भी पूछा था। मेन वोकलिस्ट, लीड वोकलिस्ट और सब वोकलिस्ट होता है, ओनली वोकल नहीं होता है। किसी और का भी ऐसे ही सवाल था, वो भी ले लेते हैं। दी, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, सब वोकल क्या होता है और BTS में सब वोकल कौन करता है और हाई नोट्स BTS में सबसे अच्छा कौन लगाता है? लव यू दी। लव यू टू स्वीटहार्ट। के पॉप इंडस्ट्री में, के पॉप ग्रुप में कुछ पोजीशंस होती है आइडल की, मेन वोकलिस्ट, सब वोकलिस्ट, लीड वोकलिस्ट, रैपर, मेन रैपर, लीड रैपर, सेंटर, लीडर, डांसर, विजुअल, और ये हर ग्रुप में होता है। मेन वोकलिस्ट जिसके पास गाने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है। मेन वोकलिस्ट को आमतौर पर सबसे मुश्किल पार्ट गाने को दिया जाता है और इन्हें सबसे ज़्यादा लाइन मिलती है। BTS में जंगकुक मेन वोकलिस्ट हैं। जंगकुक को ही सबसे ज़्यादा वोकल लेसन मिले थे, आपने लाइव में देखा होगा जंगकुक को हमेशा गाते हुए। फिर आता है लीड वोकलिस्ट। लीड वोकलिस्ट सेकंड पोजीशन में सबसे अच्छी टेक्निक वाला मेंबर होता है। लीड वोकलिस्ट मेन वोकलिस्ट के आसपास ही गाता है। BTS में लीड वोकलिस्ट का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि जिन, जिमिन, वी तीनों ही कमाल के हैं। नाउ सब वोकलिस्ट। सब वोकलिस्ट को गाने की कम लाइन मिलती है, उन्हें 7 से 10 सेकंड तक की ही लाइन मिलती है। जब BTS की शुरुआत हुई थी तब वी, जिन, जिमिन तीनों ही सब वोकलिस्ट थे, पहले थे। बाद में तो सभी को उनकी आवाज़ के हिसाब से लाइन मिलने लगी। रैपर का भी सेम ऐसा ही है, मेन रैपर को ज़्यादा लाइन मिलती है, ये रैपिंग में सबसे अच्छे होते हैं और ज़्यादातर मेन रैपर खुद सॉन्ग लिखते हैं। BTS में RM मेन रैपर हैं। सुगा और जे होप के आने से कई सालों से पहले से ही RM रैप करते आए थे। लीड रैपर, मेन रैपर के बाद लीड रैपर सेकंड बेस्ट रैपर होता है, ये आमतौर पर रैपिंग पार्ट की शुरुआत करते हैं, जैसे सुगा। सब रैपर बाकी रैपर से अच्छा माना जाता है लेकिन मेन रैपर और लीड रैपर से ज़्यादा अच्छा नहीं। जो BTS में जे होप हैं, सॉरी है नहीं थे, जे होप एक डांसर थे और वो डांस के लिए ही कंपनी में आए थे। उन्होंने ऑडिशन डांस में ही दिया था और उन्होंने पहले कभी रैपिंग नहीं की थी। RM सुगा ने उन्हें रैप की ट्रेनिंग दी और गाने लिखने की ट्रेनिंग भी दी, इसलिए जे होप सब रैपर थे। लेकिन अगर आज देखें तो तीनों ही कमाल के रैपर हैं। तीनों का रैपिंग स्टाइल बहुत अलग है और तीनों ही गाने लिखते हैं और अपना म्यूज़िक खुद बनाते हैं, इसलिए तीनों के पास ही अपनी अपनी एक्स्ट्रा मिक्स टेप हैं। इसलिए अब किसी को मेन रैपर, लीड रैपर और सब रैपर ये नहीं कह सकते। सेम ऐसे वोकलिस्ट का भी है, चारों JK, V, जिन, जिमिन चारों कमाल के वोकलिस्ट हैं, लेकिन हाई नोट्स वो जिन ज़्यादा अच्छा लगाते हैं। हालांकि जिमिन और JK भी हाई नोट्स लगाते हैं पर जिन इसमें सबसे आगे रहते हैं। टेक टू में भी जिन के हाई नोट्स वो कमाल के थे, आपने सुने लास्ट में? सुनो पीछे जिन के हाई नोट्स हैं। BTS और ब्लैकपिंक, ये दोनों ही ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सब कमाल के हैं। दोनों ही ग्रुप में आप मेन, लीड और सब रैपर और वोकलिस्ट में इजीली फ़र्क नहीं कर पाएंगे। हाँ सोलो फैन है तो बात अलग है, बाकी इन दोनों में फ़र्क करना मुश्किल है। चलो मैं आपको एक चैनल रेकमेंड करती हूँ, स्माइल होया। नहीं, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये चैनल 1 साल पहले ही बंद हो गया है, पर इनके चैनल में BTS के हर मेंबर के अलग से गाने की सोलो वीडियो बनी है जो कमाल की है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको इसमें सभी मेंबर की सिंगिंग और रैपिंग स्किल का पता लग जाएगा। स्माइल होया चैनल का नाम, प्लीज़ वॉच। नेक्स्ट, दी, BTS का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो गया क्या 2027 से 2034 तक? प्लीज़ बताओ, आई लव यू, लव यू टू स्वीटहार्ट। कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू, ये सवाल से तो पूरा कमेंट सेक्शन भरा था पिछले 2 हफ्तों से। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हुआ है। किसी भी कोरियन या इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है और ना कोई ऑफिशियल नोटिस या पोस्ट है। BTS का पुराना कॉन्ट्रैक्ट
2026 तक है और अभी 2023 चल रहा है, प्लस अभी 5 मेंबर की मिलिट्री सर्विस बची है, तो ये मुमकिन नहीं है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, वो भी तब जब 2 मेंबर मिलिट्री कैंप में है। ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होगा या नहीं ये 2026 में या जब सबकी मिलिट्री सर्विस पूरी हो जाएगी तभी पता चलेगा। BTS ने अभी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। ओके देन, आई होप आपको आंसर पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।